सज्जनों फाइनल दौर, और आप सभी को मेरी फिर से राम राम है, राम राम साहब। सुनिएगा चार लाइन फिर से आपके लिए तोहफे में दे रहा हूं। बर्रैयन में हो न परी शहद की मक्खिन की बाबा चश्मा वारे, शहद को छतायब के हम धरेंगे, अरे चौमासे को मच्छर उड़ान भर के बोलो हंसन की होड़ब के हम करेंगे। एक लंगड़ा विचार कर बोलो और पहाड़ पे भैया के हम चढ़ेंगे, अरे मोरी को मेनु काटर राय के बोलो प्रधानी को परचाव के हम तो भरेंगे। इस जमाने में समझ की वही समझ है, और जाकी समझ में ना आ रहा वो बता दियो। समझ समझ के समझ को समझे, समझ समझ की वही समझ है, और समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ से वो ना समझ है। कह दिया क्या हमें सर झुका दिया। अगर आनंद से सुनोगे तो डबल आनंद में दे दूंगा तुम्हें। सर झुका दिया। अब पार्वती जी सीन को, इस दृश्य को, इस नजारे को देख करके कहने लगी, दीनानाथ आप देवादिदेव महादेव हो, आपका सर यहां क्यों झुका? भोले बाबा ने कही, देवी ये पंचों की चौपाल है और यहां पंच बैठ करके न्याय करते हैं, कभी अन्याय नहीं करते। आहा। देवी बोली, महाराज सुनो, मैं ना मानू ऐसे, वो तो प्रैक्टिकल करके बताओ। सुनो, गाने में प्रैक्टिकल हीरो है, और गौर फरमाइयों ने भैया कैसे हीरो है। अरे पार्वती ने, हो पार्वती ने बचन उचारो कैसे नब गयो शीशा। We'll be right back.
बोली भोला ते पार्वती बोली भोला ते तुम्हें यहाँ क्या सूझा है सब देवन में महादेव हो। और ये हमारे चाचा जी की तरफ से ये बनवारी जी इकरार इनकी तरफ से 101 रुपए मुद्रा हम आशीर्वाद चाहेंगे। सब देवन में महादेव हो और न कोई दूजा है और सभी देवता तुम्हें मनावे करे तुम्हारी पूजा है। भोला बोले पार्वती ते यहाँ होए धर्म की। पार्वती से कहा यहाँ धर्म की पूजा होती है लेकिन पार्वती नहीं मानी। अब देखिए एक खेल दिखा रहे हैं। कारी बेल संग गड़वारो ला रहे अपनी नारी है माया फेरी शिव शंकर ने प्यास लगा दई भारी है। गाड़ी खड़ी करी छाया में आने लोटा डोर समारी है भोला बने बैठो गड़वारो देखे सेल कुमारी है। बेटा एक आदमी ब्याह करके ला रहा है अब चल गई है चार पहिए की बैगनार फॉर्च्यूनर जब चलते रथ शादी करके ला रहा है बैलगाड़ी में। शंकर भगवान ने पार्वती को समझाने के लिए उस मनुष्य को प्यास लगाई वो पानी पीने के लिए चला गया। सचरो कहानी मोड़ ले रही है। शंकर भगवान ने उसी आदमी का रूप लिया और बैलगाड़ी को ले जाने लगे वो पानी पी के आएगा। अब देख रहा हूं भैया कोई ले जा रहा हो बात बोले भैया ये गाड़ी मेरी ये घरवारी मेरी तू ये कहां लेके जा रहे शंकर भगवान बोले बेटा देख तो पर रोंग नंबर लग गो है कोई चक्कर पर गो है हमें तो भैया जी गाड़ी मेरी और जी घरवारी मेरी ना तो चल पंचर में हमारा फैसला हो तो आगे चौपाल पे जहां सर झुकाया था वही आगे तसई में बेटा। अब पंच चक्कर हम पर गए कैसे पढ़ रहे सुनो दोनों सकले लगे ये कसी पंचन के मन खटका है दोनों सकले लगे ये कसी पंचन के मन खटका है पंच सोच रहे अपने मन में जो खोई फंदा पंच सोच रहे अपने मन में जो खोई फंदा अटका है। वृद्ध पंच एक कहने लगो मगवा लो पारी मटका है न्याय होए अन्याय नहीं न्याय होए अन्याय नहीं जमे एक लगे गो झटका है जमे एक लगे गो भैया मित्र। अब देखो एक बूढ़े बाबा खड़े है गए पंचन से कही कंफ्यूजन है तू उनको दूर करो न्याय में करूंगा लेकिन एक पारी और मटका मंगाओ बस दो लाइन और रह गई है। पारी मटका आ गया बेटा अमित तो अब न्याय है रोए अब सुनो न्याय कैसे है रोए पंच फैसला करने लगे फिर ऐसे करने लगे फिर ऐसे गिरा उचारी है। और भैया बात अच्छी लगे आगे बारे हो तालियां चाहूंगा पंच फैसलो करने लगे फिर ऐसे गिरा उचारी है जो मटका के भीतर घुस जाए पाई की ये घरवारी है जो मटका के भीतर घुस जाए पाई की ये घरवारी है। अब देखो अरे भोला घुस गए मटका में भोला घुस गए मटका में
ऊपर ते ढक दई। अरे भोला घुस गए मटका में, ऊपर ते ढक दई पारी है। भोला बंद भये मटका में, उतर रोए गई सैल। पार्वती जी सुशील को देख रही थी कि मेरे कारण मेरे भोला ने बड़े बड़े दुख उठाए। पंचों के पास में आ गई, अंतिम चरण चल रहा है। पार्वती जी पंचों के पास में गई। अब पंच बोले, देवी एक दे दो भाटन तो टूटा, तू कहां से आए बबरी बीच में। कहा कि मेरा नाम है पार्वती। और ये सरपंच जी मुकेश जी चौहान हमारे लिए आशीर्वाद और प्यार दे रहे हैं। नगजा हाथ और धर दो भैया। लेकिन ऊपर ते ढक दई पारी है, रोई गई सैल कुमारी है। पंचों के पास में आई। अब ओ रोमत देखी पार्वती, पंचन को अति दुख चोला है। अरे रोमत देखी पार्वती, पंचन को अति दुख चोला है। सोच समझ के पंचन ने फिर बामटका को, सोच समझ के पंचन ने फिर बामटका को खोला है। अब देखो भोले बाबा को कहना, चलो भोले बाबा के मंदिर में बैठे हो तुम, एक भी हाथ खाली नहीं रहना चाहिए। अब कसम भोले बाबा की है तुम्हें, बहुत अच्छी बात कह रहा हूं। अरे सोच समझ के पंचन ने फिर बामटका को खोला है। पारी अधर करिए मटका की, तो निकलो पम पम बोला है, निकलो पम पम बोला है। समय ज्यादा है गयो भैया, नारायण दास यो कहे के भोलाई पार करेंगे नैया।